आज हम आपको चैप्टर 12 मैथ का सेकंड चैप्टर है स्पेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड एंड शेप्स, इसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे और चैप्टर को समझाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया गया। सबसे पहले है स्पेक्ट्रल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी को हमें ताज़ा रखना है और याद करना है। तो सर इसमें आता है टॉप बॉटम, टॉप हमारा ये है और बॉटम हमारा ये है। बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा, टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा। ऑन माने पर, जैसे है आपका है अ पिक्चर ऑन द वॉल, अ ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल, यानी कि ब्लैक बोर्ड आपका कहाँ है, वॉल पे टंगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड दीवार पर टंगा है। तो इसी तरह हम कहेंगे अ काउ अंडर द ट्री, यानी गाय जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है। तो इस तरह हम इसको समझेंगे। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर और इनसाइड का मतलब अंदर। नियर फॉर, नियर माने पास, फॉर माने दूर। बिफोर आफ्टर, यानी कि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। फिर हमारा आता है सॉलिड्स आते हैं, इसमें क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, कोन आता है, सिलेंडर है, पिरामिड है और शेप्स है। इसके बारे में हम अभी आपको फिगर बना करके समझाएंगे। फिर शेप्स आते हैं, स्क्वायर है, रिक्टेंगल है, सर्किल है और ट्रायंगल है। तो हमारी ये चार चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, स्पेक्ट्रल को देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें क्या किया गया है कि देखिए इसमें लिखा है अ पिक्चर ऑन द वॉल, यानी कि पिक्चर जो है वो दीवार पे लगी है। और काउ अंडर द ट्री, काउ जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है। फिर इसी तरह है अ पैरेट इनसाइड द केज, यानी कि तोता जो है वो पिंजरे के अंदर है। आउटसाइड यानी कि अ डॉग आउटसाइड द हाउस, डॉग जो है वो आउटसाइड घर के बाहर है। अब एबव और बिलो के बारे में देखिए, जो घुटने से नीचे हो उसे बिलो बोलते हैं और जो ऊपर हो उसे हम एबव बोलते हैं। जैसे एन एप्पल एबव द लाइन, यानी कि जो एप्पल है वो लाइन के ऊपर है। और स्कर्ट बिलो द नी, स्कर्ट जो है वो घुटने के नीचे है तो उसको हम बिलो बोलेंगे। अब आता है दीज बर्ड्स आर नियर नियर, मतलब कौन सी बर्ड जो है वो लाइन के पास में है। और दोज बर्ड्स आर फेदर, कौन सी चिड़िया जो है वो दूर उड़ रही है, तो उसके बारे में हमको बताया गया है। फिर आता है नियर टू द बस, बस के पास कौन है और बस से दूर कौन है। बिफोर यानी कि द हियर इज बिफोर द टॉर्टाइज, यानी खरगोश के पहले कौन है, रैबिट है। और द पुलिस मैन इज आफ्टर द थीफ, पुलिस मैन जो है वो चोर के पीछे भाग रहा है। तो ये चीज़ें हमको इसमें समझाई गई कि कौन सी चीज़ कब और कैसे इसको करना है। अब है अ पिलो इज ऑन द बेड, यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। शूज आर अंडर द चेयर, मतलब जो जूते हैं वो चेयर के नीचे हैं। इनसाइड अ फैमिली इज इनसाइड द हाउस, फैमिली जो है वो घर के अंदर है। क्लोथ्स आर आउटसाइड द सूटकेस, यानी जो क्लोथ्स हैं यानी कपड़े जो हैं वो सूटकेस के बाहर रखे हुए हैं। तो ये चीज़ बच्चों, इससे ये हमारा बॉटम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा। तो ये चीज़ हम ऐसे सीखेंगे। अब हम आते हैं इसमें, देखते हैं कि इसमें शेप्स में कौन से हमें शेप्स बनाने हैं। पहले आता है स्पेयर, स्पेयर में हम क्या करेंगे, एक हम गोल बॉल जैसी बनाएंगे, एक हम बॉल जैसी बनाएंगे, इसको हम स्पेयर्स बोलेंगे, ये हमारा स्पेयर्स है। अब आता है सिलेंडर, सिलेंडर में हम क्या करेंगे, दो सीधी लाइनें खींचेंगे और उसमें ऐसे करेंगे, इस तरह से हम इस फिगर को
बनाएंगे। ये हमारा सिलेंडर है। अब आता है हमारा कोन। कोन बनाना बहुत इजी है, ऐसे करेंगे और इसमें ऐसे कर देंगे। अब आता है पिरामिड। पिरामिड भी हम ट्रायंगल के जैसा बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे और फिर इसको ले जाके ऐसे जोड़ देंगे, ये हमारा पिरामिड हो जाएगा। अब हम शेप्स के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती है, फोर कॉर्नर्स होते हैं और इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमारा स्क्वायर है, ये इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। फिर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में थ्री कॉर्नर्स होते हैं और इसका नाम है ट्रायंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल। फिर आता है हमारा सर्किल। सर्किल एक हम बॉल जैसा गोल आकार का बनाएंगे, CIRCLE सर्किल। अब हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके फोर कॉर्नर्स होते हैं और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ये हमारा रेक्टेंगल है। तो बच्चों ये हम चैप्टर हमने आपको समझा दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना और ये जो शेप्स हैं इनकी स्पेलिंग्स याद करना, और बुक के माध्यम से हम इसको आपको भेजेंगे, उससे आप करना और समझने का प्रयास करिएगा कि कौन सी चीज़ कैसे दी गई है और कैसे किया गया है। ठीक है बच्चों। बच्चों मैथ का ये 12th चैप्टर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, यानी कि जो भारी चीज़ हो उसे हम सॉलिड कहेंगे। और शेप्स का मतलब होता है आकार। तो यही चीज़ इसमें बताई गई कि किस चीज़ का कैसा आकार है और क्या मतलब है। सबसे पहले हम आते हैं टॉप और बॉटम पे। टॉप मीन होता है ऊपर और बॉटम माने होता है नीचे। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो ऊपर बैठा है और लड़की जो है गर्ल वो नीचे है। तो नीचे वाले को हम बॉटम बोलेंगे और ऊपर वाले को हम टॉप बोलेंगे। फिर आता है ऑन और अंडर। अ पिक्चर ऑन द वॉल, फिर देखेंगे हम कि ऑन मतलब होता है पर। पिक्चर जो है वो कहाँ पे लगी है, दीवार पर लगी है। अ काउ अंडर द ट्री, काय जो है वो पेड़ के नीचे बैठी है। फिर होता है आता है इनसाइड आउटसाइड। अ पैरट इनसाइड द केज, पैरट जो है तोता वो केज के अंदर है। और डॉग जो है वो आउटसाइड द हाउस, यानी घर के बाहर है। फिर कॉन्सेप्ट थ्री देखिएगा, एबव और बिलो का। इसमें एबव माने होता है ऊपर की चीज़ और बिलो का मतलब होता है नीचे। एन एप्पल एबव द लाइन, एप्पल जो है वो लाइन के ऊपर है। और स्कर्ट बिलो द नी, स्कर्ट जो है वो घुटने के नीचे है, नी माने घुटना। फिर आता है प्लीज़ एग्जांपल टू द चाइल्ड, एबव मीन्स हायर, देन समथिंग एट बिलो मीन्स एट और टू लोअर लेवल, यानी कि जो ऊपर से जो नीचे का लेवल होते हैं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिलो बोलते हैं। फिर ये नियरेस्ट और फॉरेस्ट फेयरेस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि कौन सी वस्तु पास में है और कौन सी वस्तु दूर है। जैसे नियरेस्ट टू द बस, बस के नज़दीक कौन है और बस से दूर कौन है। फिर ये बिफोर और आफ्टर, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। द हेयर इज़ बिफोर द टॉर्टाइज, खरगोश के पीछे कौन है, कछुआ है। बिफोर के मतलब कछुए के पहले कौन है, आप चित्र में देख रहे हैं कि
कछुए के पहले कौन है? खरगोश है। द पुलिस मैन इज आफ्टर द थीप, पुलिस जो है वो किसके पीछे भाग रही है? चोर के पीछे है। तो आफ्टर मीन्स बाद में। फिर आता है टिक द एनिमल एट द टॉप, टॉप पे कौन सा एनिमल है उसको हमें टिक करना है। तो टॉप पे क्या है? फिर है टिक द बॉटम ऑफ द ट्री, बॉटम यानी नीचे का भाग जो जड़ होती है उसे हम बॉटम बोलते हैं, तो उस पे हमें टिक करना है। कैट को हमें इसमें कैट को टिक करना है क्योंकि डॉग के ऊपर कैट है और जो चिड़िया है वो पक्षी में आ जाएगी, बर्ड में। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 102, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पिलो इज द बेड, पिलो कहाँ है? बेड पर है, तो हम यहाँ पे आन का प्रयोग करेंगे। शूज आर द चेयर, शूज कहाँ रखे हैं? चेयर के नीचे, तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अ फैमिली इज द हाउस, फैमिली जो है वो घर के अंदर है, तो हम इनसाइड का प्रयोग करेंगे। क्लोथ्स आर द सूटकेस, क्लोथ्स जो है कपड़े सूटकेस से बाहर हैं, तो हम आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। फिर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आपको एबव और सर्किल के बारे में बताया गया है। एबव मतलब ऊपर और सर्किल का मतलब होता है बीच का भाग। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एरोप्लेन विच इज़ नियर, एरोप्लेन कौन सा एरोप्लेन जो है वो पास में है, स्काई ब्लू वाला, तो उसमें हम टिक करेंगे। टिक द काउ विच इज़ फेयर हेयर फॉर्म फ्रॉम द रिवर, कौन सी जो गाय है वो रिवर यानी नज़दीक है, फेदर माने दूर है, तो हम जो सेकेंड गाय है उसको हम टिक करेंगे जो ट्री के पास खड़ी है। फिर है टिक द काउ नियरेस्ट टू द ट्री, कौन सी गाय जो है वो ट्री यानी पेड़ के नज़दीक है, और कौन सी पतंग जो है वो क्या है दूर उड़ रही है, मतलब दूर है, ग्राउंड से दूर है। लिखा है फेदर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कौन सी पतंग दूर है। फिर एक प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल, प्ले कौन सा इसमें टिक करना, कौन सा प्लेयर जो है वो बॉल के पीछे भाग रहा है, और कौन से स्टूडेंट बिहाइंड। फिर आता है सॉलिड्स, सॉलिड्स माने ठोस, ठोस चीज़ें क्या होती हैं। हियर आर सम सॉलिड फिगर, ये फिगर आपके कुछ दिए गए हैं, सॉलिड फिगर हैं, इनको ध्यान से देखना और समझना। इन नामों की स्पेलिंगें याद करना है आपको, क्यूब है, स्क्वायर है, फेस है, पिरामिड है, ये पिरामिड का फेस बताया गया है, कोन है, सिलेंडर है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये प्रिज्म है हमारा। तो इनको आपके बना करके प्रैक्टिस करनी है और इनको क्या करना है, आपकी स्पेलिंग याद करनी है। फिर फाइंड द लिस्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर दैट मैचेस ईच सॉलिड फिगर, इसमें से कौन से सॉलिड क्यूब हैं, क्यूब इसमें कितने हैं, इसमें 1, 2, 3 क्यूब्स हैं। स्पेयर कितने हैं, यानी कि 1, 2 स्पेयर हैं। फिर है रेक्टेंगल प्रिज्म कितने हैं, रेक्टेंगल प्रिज्म कितने हैं वो हमें देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह हमें गेस करना है और इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है शेप्स, शेप्स का मतलब होता है आकार, किसी भी वस्तु का कैसा आकार है उसके बारे में बताएगा। पहले है हियर आर सम शेप्स, कुछ शेप्स आपको दिए गए उनको देखो। सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। ट्रायंगल में त्रिभुज किसको बोलते हैं हिंदी में, और 3 ट्रायंगल्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। सर्किल गोल होता है, और रेक्टेंगल में 4 भुजा होती हैं, इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा होता है।
और इसके पीछे आपका कुछ दिए गए नेम द सेज दैट ईच बॉडी पार्ट्स लुक लाइक। इन बॉडी पार्ट्स को आपको देखना है, उनके नाम लिखने हैं और उनको उन्हीं कलर से बुक में ही फिल करना, आपको कलर करना है बना के, और इन चित्रों की बनाने की प्रैक्टिस करनी है कि ये कलर ऑल द सर्किल ग्रीन, ग्रीन कलर कौन सा है, कलर ऑल द स्क्वायर ब्लू, कलर ऑल द रेक्टेंगल रेड, कलर ऑल द ट्रायंगल ब्लू ब्राउन। इनको आपको कलर करना है और उनके नाम याद करने हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका